हेलो स्टूडेंट, आई एम सतीश जांगिड फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। टुडे नाउ आई विल बी डिस्कस ऑन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कनेक्शंस, पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हेन डूइंग स्ट्रक्चर एनालिसिस वी जनरली कॉन्सेप्टलाइज ए real structure as a simplified stick model with elements concentrated to each other at a specific location called nodes। जो भी आपके structure है, structures के जितने भी point हैं जहाँ पर वो rigid connected हैं, तो उसको अपन structure के में अपन क्या बोलते हैं, nodes बोलते हैं। जो भी उसके concent एक दूसरे को elements को connect कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, node। वैसे फाइनाइट एलिमेंट में हम हर एक स्ट्रक्चर को डिसक्रिएट करके उसके हर एक पॉइंट को अपन नोड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो द एलिमेंट्स हैव डिफॉर्मेशन बिटवीन द नोड्स, वी कैन यूजिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड्स। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द डिस्प्लेस पोजिशन ऑफ ऑल मासेस relative to their original position is called number of degree of freedom, DOS. A degree of freedom is a single way that node is permitted to move or rotation. आपका जो nodes है या तो उसमें rotation होगा या उसमें कुछ movement होगा। This concept was previously verified in diagram in 2D system, each node have three possible degree of freedom। एक जो node है अपना वो तीन degree of freedom रख सकता है, जिसमें उसके दो तो क्या होंगे, translation, movement, inward direction। तो first आपका जो translation और movement है वो एक direction में होगा, दूसरा जो translation है वो आपके उसके just perpendicular direction है उसमें होगा, और जो third है वो आपका क्या होगा, rotation होगा। इससे अपन कह सकते हैं कि एक नोड पर जो 2D सिस्टम के अंदर आपके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 होंगे। तो देखिए, अपन ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड्स में एनालाइज किया था, वहाँ पर आपको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपके कितने अननोन्स हैं, जैसे कि तीन अननोन है तो तीन आपके इक्वेशन बन रही है। यदि आपके कोई एंड फ्री है, जैसे डायग्राम में देखिए, आपका जो फर्स्ट डायग्राम है आपके यहाँ पर 3 डिग्री का इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो आपका क्या है, हिंज है, तो आपको तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अपन इसके तीनों अननोन है, थीटा डी, थीटा ई एंड ट्रांसलेशन, इनको अपन फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट तीन इक्वेशन होंगी, तीन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर आपके जो एक इक्वेशन है वो आपके क्या आ जाएगी, एम सी डी, एम सी डी इक्वल टू 0, बिकॉज एयर इज ए इन सपोर्ट, और हियर इन सपोर्ट पर क्या होता है आपके, जहां पर आपका मूवमेंट क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट। तो देखिए जो एग्जांपल है अपना, जो नॉन से फ्रेम है उसके अंदर जो नोड्स हैं, हर एक नोड्स पर आपका क्या है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, रोटेशन, थीटा डी, यहाँ पर थीटा ई और यहाँ पर थीटा सी, तीन आपके अननोन है जब आपका जनरल लोडिंग कंडीशन में। तो रोटेशन, ट्रांसलेशन, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यहाँ से ये टोटल कितना है अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 3, क्योंकि फर्स्ट आपका जो डी और ई पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डी और ई पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको अपन क्या मान के चलेंगे, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर डी ई पर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन, डी और ई पर रोटेशन। अब देखिए आपके जो रोलर सपोर्ट है
रोलर सपोर्ट है आपके, यहाँ पर लोडिंग जनरल लोडिंग कंडीशन है, तो आपके क्या होगा कि सी पॉइंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा सी एक्स से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डेल्टा डी एक्स ये भी आपके सी के बराबर होगा और डेल्टा ई एक्स ये भी आपका सी एक्स के बराबर होगा, यानी कि आपके तीनों ट्रांसलेशन क्या है आपके इक्वल, यानी कि एक ट्रांसलेशन की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं तो दूसरे ट्रांसलेशन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करने के लिए इजी रहेगा। तो टोटल इसका जो मास है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो ऐसे इसका वन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक्स डायरेक्शन में हो गया। दूसरा आप ई पॉइंट पर देखेंगे तो ई पॉइंट पर आपके जो लोडिंग के कारण आपका क्या हो रहा है यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो थीटा ए और एक हो जाएगा आपका थीटा डी, तो इससे आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, तीन हो गए। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग कनेक्शन। जब स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कनेक्शन। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आपके जब स्प्रिंग सीरीज में है, तो स्प्रिंग सीरीज में है, दो स्प्रिंग को आपने क्या है सीरीज में कनेक्ट कर दिया। व्हेन पुटिंग टू स्प्रिंग इन ए इन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए सीरीज दैट इज एट द एंड टू ए ब्लॉक एंड then displacing it from the equilibrium, each of spring will experience corresponding displacement x1 x2 for the total displacement x1 plus x2. We will be looking for the equation for the force on the block that looks like Fb equal to minus k equivalent x1 plus x2. x1 x2 आपके क्या है displacement stiffness और force के बीच में जो आपका relation है, displacement क्या होता है stiffness आपके क्या होती है force per unit deflection, तो यहाँ से आपका relation आ गया। अब ये force है आपका F1 F2 दोनों spring पर क्या है अलग अलग है, तो F1 equal to क्या हो जाएगा आपका minus के K1 X1 और F2 equal to minus के K2 X2, तो यहाँ से आपका deflection spring 1 में क्या हो रहा है F1 upon K1 और X2 equal to F2 K2 and similarly X1 plus X2 Fb upon K equivalent, यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे फोर्स और स्टिफनेस की टर्म में तो आपका क्या आ जाएगा F1 upon K1 plus F2 upon K2 equal to Fb upon K equivalent. Now remembering that F1 F2 F3 are the arrive at equal in all springs, then 1 upon k equivalent equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, यानी कि आपका जो सीरीज कनेक्शन होगा उसमें आपका ये फाइनली इक्विवेलेंट स्टिफनेस का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का आपका क्या होता है यहाँ पर रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस यदि सीरीज में कनेक्ट है तो आर इक्वल टू क्या होता है आर वन प्लस आर टू, और यदि वो पैरेलल होता है तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, बट यहाँ पर आपका क्या है स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में आपका जब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। अब देखिए आपके यदि स्प्रिंग पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में आपके स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है आपके फोर्स क्या होंगे अलग अलग, देन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा इक्वल है, बोथ स्प्रिंग आर टच द ब्लॉक इन दिस केस एंड वॉट एवर डिस्टेंस स्प्रिंग फर्स्ट इज कंप्रेस हैज टू बी द सेम अमाउंट स्प्रिंग टू इज कंप्रेस द फोर्स ऑन ब्लॉक इज देन एफ बी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। नाउ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है दोनों में इक्वल है क्योंकि आपकी जो स्प्रिंग है वो पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में जितना आपके डिफ्लेक्शन पहली में होगा उतना ही डिफ्लेक्शन दूसरी स्प्रिंग में होगा, तो यहाँ से F1 आपका किसके बराबर माइनस के वन इंटू एक्स माइनस के टू इंटू एक्स, सो द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज Fb इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आपका K इक्वलेंट किसके बराबर होगा आपका के वन प्लस के टू, विच इज why we can define the equivalent spring constant as shown in this figure.